हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। अभी सुबह के लगभग 7 बजने जा रहे हैं और अब हम रेडी हो गए हैं आज जल्दी थोड़ा, क्योंकि दुकान पे बहुत ज़्यादा घास वास हो गया है बाहर में, और उसको भी साफ़ वूफ करना है, थोड़ा दुकान को बढ़िया से थोड़ा अपडेट करना है। ये रहे दोस्तों, सब अभी बैठे हुए हैं और छोटा एक पंछी यहाँ पे आके अभी चावल खा रहा है। अब देखिए उतरना चालू हो गए हैं। चलिए अब दुकान पे चलते हैं, वहाँ पे जो साफ सफाई करनी है। हम दुकान पे आ गए हैं और यहाँ पे आज बहुत सारा काम है। देखिए ये बहुत सारा घास हो गया है आगे में, जो अच्छा नहीं लगता। अभी हम ये साफ किए हैं, इसको भी निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं, अभी ये सब बाकी है निकालना। ये रहा दुकान, और ये दुकान के आगे में ही घास है बहुत सारा, तो ये सबको निकालना होगा। आज अब थक गए, अब कल साफ सफाई करेंगे। आधा तो आज हुआ, बाकी अब कल देखेंगे, क्योंकि अब सुबह के लगभग 10 बज गए हैं। अब पूरा मार्केट के लिए निकलेंगे, क्योंकि घर में कुछ सब्जी वब्जी नहीं है, तो सब्जी वब्जी भी थोड़ी लेनी है हमें। फाइनली निकल गए हैं घर से। भैया हाफ हाफ पैंट और गंजी पे हैं, और ये बड़े भाई हैं, और ये दिन भर मजे लेते रहते हैं दुकान का, दुकान पे ही बैठते हैं, लेकिन रात में सोते हैं तो पैसा पैसा ही करते रहते हैं। और उधर देखिए बाबू है जो अंदर है, और यहाँ पे लगभग सारा सामान मिल जाता है, A to Z सामान यहाँ पे अवेलेबल है। उधर भी शॉप्स है और इधर भी है। देखिए लगभग सारा सामान अवेलेबल है, और काफ़ी बड़ा दुकान है, बड़ा तो नहीं बोलिए, थोड़ा मीडियम ही है, लेकिन लगभग सारे चीज़ मेंटेन किया हुआ है। जो घरेलू सामान है A to Z। और ये देखिए बाबू अंदर चॉकलेट खाते रहती है, जब भूख लगता है जब चॉकलेट खाती है। और इधर देखिए, इधर ये हो गया आपका ज्वेलरी दुकान। और आगे का नज़ारा है, यहाँ पे अपार्टमेंट है 2-3-4। यहाँ पे भी हमें कुछ काम है, अभी इनसे कुछ माला वाला बनवाना है हमको, तो अभी बनवाएंगे हम इनसे। चलिए ये माला कैसा कैसा है जरा हमको दिखाइए। ऊपर वाला पंखा खराब हो गया है, और ये नीचे वाला पंखा भी इमरजेंसी के लिए लगाया गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। अभी ये विनय भैया हैं, और ये मेरा अभी माला तैयार करेंगे। एक मोती का माला चाहिए सिंपल सा, ये भी बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन भर घूमते ही रहते हैं। और थोड़ा बढ़िया माला बनाइएगा। शायद ये काय का धागा रेशम का है, पैरासूट है ना, मतलब जो टूटता नहीं जल्दी। चलिए ठीक है, मतलब इसी में माला गूंथते हैं सब। माला इसी में गाता जाता है, और भी क्वालिटी का आता है, लेकिन बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है ना, चलिए ठीक है। अब वो आ गई इधर, पता नहीं क्या लेने आई है। अच्छा एक लेने आई है। मेरा माला बनने का काम अब चालू हो गया। माला और ये क्या है, पायल। चलिए ठीक है, थैंक यू। आए लोके बेस, लोके बेस, कुंद्री बेस, चिल्ला दे कुंद्री भिंडी लोका बेस, कुंद्री भिंडी लोका 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। हाँ सब डाउन हो गया, पैसा ऐसे
आधा किलो टमाटर। लौकी कितना दिया? डेढ़ किलो। और क्या है? खीरा है, सब है, पटल सब। खीरा कैसे दे रहे हैं? खीरा अपने 25 लगेगा, 30 किलो। खीरा एक किलो निकाल दीजिए। कुंदरी भिंडी लौका बेस, कुंदरी भिंडी लौका बेस। चलिए ठीक है, हो गया। अब सब्जी तो हो गया मेरा पूरा। अब हमें थोड़ी नींबू और मिर्ची लेनी है, थोड़ा थोड़ा सब दे दीजिए। मिर्ची एक पाव और नींबू 5 दे दीजिए। धनिया पत्ता कैसे दे रहे हैं? धनिया महंगा क्यों है? अभी तो सस्ता हो गया था धनिया, तो कल से ही महंगा हो गया है ऐसा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये तो ये भैया का जूस का दुकान है, ये भी अपना ही दुकान है। यहाँ पे जब जूस पीने आओ तो एक 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 गिलास मांगिए तो ये 2 गिलास पिलाते हैं। ऐसा बात नहीं है। चलो तो फिर चलिए, अब इधर का मेरा सारा काम हो गया, सब्जी वगैरह भी हम ले लिए और यहाँ पे अब जूस पियेंगे, उसके बाद अब सीधा घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा वर्क है, हो सकता है दुकान पे भी जाना पड़े। अब हम फाइनली आ गए हैं घर पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बने रहे हैं ब्लॉग में दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।